वेलकम टू आवर चैनल फैंटेसी फॉर्चून। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ट्रिनबागो नाइट राइडर्स वर्सेस सेंट किट्स सीपीएल मैच जो खेला जाएगा डैरेन सैमी नेशनल स्टेडियम में। क्या हो सकती है पॉसिबल प्लेइंग 11, क्या रहेगी स्मॉल लीग की टीम, ग्रैंड लीग की क्या टीम्स रहने वाली है, सब हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो पूरी वीडियो देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, फैंटेसी फॉर्चून के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ के साथ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, उसी के थ्रू जुड़िएगा। सर्च करके मत जुड़ना क्योंकि फेक चैनल्स काफी सारे हैं हमारे नाम के। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, लगातार विन भी हो रहा है और रेगुलर आपके लिए वीडियो भी आ रही है। सो वीडियो मिस ना हो तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो बात करते हैं यहाँ पर डैरेन सैमी नेशनल स्टेडियम की। वेन्यू जो है 35 यहाँ पर मैचेस खेले गए अभी तक, जिसमें से चेजिंग टीम ने जो है 22 मैचेस जीते हैं और जो एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर रहा है वो 160 का रहा है। लेकिन देखने वाली बात क्या है, इस सीपीएल में यहाँ पर दो मैच हुए हैं और जो दोनों ही मैच है ना वो बैटिंग फर्स्ट करते हुए टीम ने जीते हैं और हाई स्कोरिंग मैच हुए हैं। पहले मैच में 187 का स्कोर बना था, दूसरे मैच में जो है 200 पार हुआ था। तो यानी कि हाई स्कोरिंग वेन्यू है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 180 रन तक का तो स्कोर हमें देखने को मिलना चाहिए इस मैच में भी। अब बात करते हैं हेड टू हेड में। सो यहाँ पर नाइट राइडर्स ने जो है 13 मैच जीते हैं, वहीं सेंट किट्स ने जो है 6 मैच जीते हैं। अगर आप ऑन पेपर्स भी देखें तो नाइट राइडर्स की टीम जो है काफी स्ट्रांग नजर आती है। दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 की बात करें, सो नाइट राइडर्स की तरफ से यहाँ पर मार्टिन गुप्टिल ओपन कर सकते हैं चैडविक वॉल्टन के साथ, राइली रूसो है, निकोलस पूरन है, कैरन पोलार्ड है, रसल है, सुनील नारायण है, ड्वेन ब्रावो, कदीर अलीन, यहाँ पर जॉर्डन सील्स और अकील हुसैन आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें सेंट किट्स की तरफ से, यहाँ पर लुइस ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं फ्लेचर के साथ, डिवार्ड ब्रेविस है, राइडू है, रदरफोर्ड है, बॉश है, जॉर्ज लिंडे, यहाँ पर कॉकट्रेल, ओशेन थॉमस, डोमिनिक ड्रेक्स और यहाँ पर यानिक क्रिया आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इस मैच में होने वाला है 10,000 रुपए का फ्री गिव अवे, और भी जो मैचेस हैं 100 के वहां पर भी गिव अवे होने वाला है। कल इंडिया का मैच है, वहां पर 1,00,000 रुपए का फ्री गिव अवे होने वाला है। कहां पर हो रहे हैं इतने गिव अवे, ये हो रहे हैं विजन 11 ऐप पे, क्योंकि डेली फ्री गिव अवे आपको मिलते हैं, लोएस्ट एंट्री फीस आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर आपके पास विजन 11 ऐप नहीं है तो आपके पास होनी चाहिए, सो डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉर्च्यून रेफर कोड है FORTUNE, इसके थ्रू डाउनलोड कर लेना, आपको 500 रुपए का साइन अप बोनस भी आपको मिल जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइट राइडर्स की। सो नाइट राइडर्स की तरफ से चैडविक वॉल्टन ओपन करेंगे गुप्टिल के साथ। अब देखो ये वाला जो मैच है ना, ये मैच ग्रैंड लीग जरूर खेल लेना, क्योंकि इस मैच में ना काफी अच्छे ऑप्शंस हैं और जिनको लोग इग्नोर करेंगे, जैसे चैडविक वॉल्टन है ओपन करते हैं, सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होने वाला है लेकिन अपने दिन पर ही अच्छा कर सकते हैं। अगर हम बात करें हेड टू हेड में जो है 20 के औसत से 217 रन बनाए हुए हैं, वेन्यू पे 6 मैच में जो है 114 रन बनाए हुए हैं, तो डिसेंट रिकॉर्ड है, बट ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में रिस्की रहेंगे। फिर आएंगे मार्टिन गुप्टिल, मार्टिन गुप्टिल स्टार खिलाड़ी है और अपने दिन पे शतक भी लगा सकता है T20 फॉर्मेट में, लेकिन वेन्यू पे 3 मैच में 44 ही रन है। हेड टू हेड में डिसेंट रिकॉर्ड है, 4 मैच में 107 रन है, लेकिन ये एक ऐसा प्लेयर है जिसके ऊपर अगर आप रिस्क लेना चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि ये फील्डर भी अच्छा है तो आपको कुछ कैचेस के पॉइंट्स भी ये दे सकता है। फिर आएंगे राइली रूसो, राइली रूसो जो है वन डाउन बैटिंग करेंगे, अगेन ये जो टॉप 3 है ना इनका, इनके टॉप 3 को ही बहुत कम लोग पिक करेंगे, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं ना तो ले सकते हैं। राइली रूसो काफी खतरनाक खिलाड़ी है, बैटिंग फर्स्ट करते हुए अच्छा कर सकता है, तो गुप्टिल या रूसो इनमें से एक को आप अपनी टीम में रख सकते हैं। बात करते हैं निकोलस पूरन, निकोलस पूरन कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं, 15 मैच में 36 के औसत से रन बनाए हुए हैं और यहाँ पर वेन्यू पे भी 13 मैच में 25 के औसत से रन बनाए हुए हैं, तो और विकेट कीपिंग भी करेंगे तो आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस रहेगी बैटिंग फर्स्ट करते हुए। फिर आएंगे यहाँ पर कायरन पोलार्ड, पोलार्ड का ना इस वेन्यू पे बहुत शानदार रिकॉर्ड है, 68 के औसत से रन बनाते हैं, हेड टू हेड में भी 45 का औसत है, सो बैटिंग फर्स्ट करते हुए, क्योंकि ये बॉलिंग भी कर लेते हैं बट स्टिल बैटिंग फर्स्ट करते हुए आपके लिए एक अच्छी पिक बन जाते हैं, क्योंकि उसमें बैटिंग में आने के चांसेस इनके ज्यादा रहेंगे। फिर आएंगे रसल, रसल की बात करें तो 14 मैच में जो है 215 रन है और 14 विकेट निकाले हुए हैं, हेड टू हेड में 14 मैच में 187 रन है और 10 विकेट निकाले हुए हैं, डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं, अगर बस रसल का ये रहता है यार बॉलिंग फिट है या नहीं, बट ये डेथ में बॉलिंग करा सकता है, तो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस बन जाते हैं। फिर आएंगे यहाँ पर सुनील नारायण, सुनील नारायण जो यार किसी भी फॉर्मेट में हो इम्पोर्टेंट रहते हैं, मतलब किसी भी टीम के लिए खेल रहे हो और तो यहाँ पर तो इम्पोर्टेंट रहेंगे ही, 16 मैच में 16 विकेट हैं और 10 मैच में 7 विकेट हैं इस वेन्यू पे, प्लस थोड़ी बहुत बैटिंग आपको करके दे देते हैं, बैटिंग आने के चांसेस कम है बट आ जाती है तो कर लेंगे, तो यहाँ पर जो है एक अच्छी पिक स्मॉल लीग के लिए आपके लिए बन जाती है। फिर आएंगे यहाँ पर ड्वेन ब्रावो, अब देखो जो भी ना वेस्ट इंडीज के स्टार खिलाड़ी है T20 के सारे इसी टीम में है, तो ड्वेन ब्रावो जो है
बढ़िया पिक है, डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, करेंगे डेथ में बॉलिंग। तो यहाँ पर 14 मैच में 11 विकेट है और हेड टू हेड में शानदार रिकॉर्ड है, 12 मैच में 20 विकेट है, तो उसकी वजह से ग्रैंड लीग खेल रहे हो, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई आप इन्हें कर सकते हो। कदीम एलीन है, प्लेयर अच्छा है बट ऑलरेडी काफी बॉलिंग के ऑप्शन है, तो हो सकता है उतनी बॉलिंग इनको ना मिले, बट ग्रैंड लीग में आप चाहें तो रोटेट कर सकते हैं। अकील हुसैन इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि लोअर ऑर्डर में बैटिंग भी कर लेते हैं और अच्छा बॉलर है और एक आधा विकेट मोस्टली हर मैच में ले ही जाता है, सो एक डिसेंट स्मॉल लीग पिक आपके लिए बन जाती है, बट इस वेन्यू पे उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, हेड टू हेड में 9 मैच में 8 विकेट है। जीडन सिल्स यहाँ पर जो है एक मैच खेला हेड टू हेड में, उसमें विकेट नहीं है यहाँ पर जो है, लेकिन प्लेयर अच्छा है और इनका मेन फास्ट बॉलर है, तो आपके लिए एक बॉलिंग फर्स्ट करते हुए एक अच्छी पिक बनेगा। डेथ बॉलिंग की बात करें, जॉर्डन सील्स हैं और ड्वेन ब्रावो हैं, रसल भी जो है डेथ में बॉलिंग करवा सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करें, सो पुरन है, पोलार्ड है, नरेन, यहाँ पर जो है ब्रावो, अकील हुसैन और रसल जो है इस टीम से इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहने वाले हैं। बात करते हैं सैन किट्स की टीम की, तो उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं करी है सो लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए क्योंकि लगातार वीडियोस आ रही हैं, तो वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए और वीडियो देखने की आदत डालिए क्योंकि बहुत सारे मैचेस हैं और अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए मैच की, तो वीडियो अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखते तो आदत जरूर डालिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सैन किट की तरफ से जो है लुइस ओपन करेंगे यहाँ पर फ्लेचर के साथ, लुइस इंपॉर्टेंट है, 13 मैच में 381 रन है, 29 के औसत से, हेड टू हेड में भी शानदार रिकॉर्ड है, सीपीएल में अच्छा खेलते हैं। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, जैसा मैंने बताया ये मैच में रिस्की टीम जो है काफी अच्छा कर सकती है, अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं लुइस को। फिर आएंगे फ्लेचर, फ्लेचर का सिलेक्शन भी काफी कम है लेकिन अपने दिन पर ही अच्छा कर सकते हैं, 22 मैच में जो है 30 का औसत है, वेन्यू पे काफी खेले हैं, 24 के औसत से रन बनाए हुए हैं, डिसेंट प्लेयर, अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो फ्लेचर पे लिया जा सकता है। फिर आएंगे डुआर्ट ब्रेविस, मुझे प्लेयर काफी अच्छा लगता है, इस वेन्यू पे कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, 2 ही मैच खेले, हेड टू हेड भी कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, बट मैं इनको अपनी टीम में रखूंगा क्योंकि बेबी ये विलियर्स जब चलते हैं तो काफी अच्छा करते हैं, बैटिंग फर्स्ट करते हुए आपके लिए एक अच्छी पिक बन जाती है स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग में बैटिंग फर्स्ट करते हुए कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। रदरफोर्ड आएंगे, रदरफोर्ड जो है बैटिंग फर्स्ट करते हुए ट्राई किए जा सकते हैं लेकिन इस वेन्यू पे कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, तो ग्रैंड लीग पर्पस से ज्यादा बेटर रहेंगे, स्मॉल लीग में थोड़े रिस्की। राइडू खेलते हैं तो एक इस टीम के लिए ना मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं और सेकंड डाउन बैटिंग कर सकते हैं, सामने की टीम अच्छी है तो अगर विकेट गिर जाते हैं तो राइडू आके संभाल सकते हैं, तो अगर खेलते हुए नजर आए तो ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर लेना। जॉर्ज लिंडे अच्छा ऑलराउंडर है, सिलेक्शन बेहद कम है, आपके लिए रिस्की ट्रम्प कार्ड पिक बन सकती है, रिस्क लेना चाहते हैं तो जॉर्ज लिंडे को ले सकते हैं अपनी टीम में। फिर आएंगे कॉर्बिन बॉश, काफी अच्छा प्लेयर है, ये अच्छा, उम्मीद है इनसे कि अच्छा करेंगे इस टीम में, मुझे लगता है इन्हें ठीक ठाक मौका भी मिलेगा, तो आप इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, प्लेयर ये बहुत अच्छा है, अच्छे शॉट्स लगा लेता है, बॉलिंग भी अच्छी करता है। बात करते हैं डोमिनिक ड्रेक्स की, 4 मैच में 6 विकेट निकाले हुए हैं हेड टू हेड में, ये लोअर ऑर्डर है, बैटिंग भी कर लेता है और यहाँ पर जो है बॉलिंग फर्स्ट करते हुए ड्रेक्स का सिलेक्शन कम है, बट बॉलिंग फर्स्ट करते हुए अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो लिया जा सकता है। यामनिक कैरिया अच्छा बॉलर है, अच्छा लेग स्पिनर है, ठीक है ना, और ये विकेट टेकन की काबिलियत है, अपने दिन पे 2 से 3 विकेट जरूर निकाल के जाएगा क्योंकि ये बॉलर शानदार है, ठीक है ना, तो ये अगेन एक ऐसा खिलाड़ी जो आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल लीग में हल्का सा रिस्क रहेगा। और शेन थॉमस है और कॉकट्रेल है, कॉकट्रेल जो है वेन्यू पे शानदार रिकॉर्ड, हेड टू हेड में शानदार रिकॉर्ड, तो मेरे हिसाब से मस्ट हैव पिक बन जाते हैं। अब बात करें ओशेन थॉमस की, अपने दिन पे चल गए तो आपको 2-3 विकेट भी दे देंगे, नहीं चले तो माइनस में आपको पॉइंट्स देकर जाएंगे। हेड टू हेड 6 मैच में 5 विकेट है, वेन्यू पे 7 मैच में 6 विकेट है, रिस्की पिक है, अगर आप लेना चाहते हैं रिस्क दबा के ले रहे हैं मैच में तो भाई ट्राई कर सकते हैं। डेथ में बात करें, कॉकट्रेल है और ओशेन थॉमस है। इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करें तो यहाँ पर लुइस है, फ्लेचर है, ब्रुविस है, बॉश और कॉकटेल इस टीम से इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहने वाले हैं। बात करते हैं यहाँ पर स्मॉल लीग कैप्टन वाइस कैप्टन की, सो यहाँ पर रसल को कर सकते हो स्मॉल लीग में, निकोलस पुरन है, बॉश है और नारायण को आप कर सकते हैं। ग्रैंड लीग में लुइस ब्रेविस, अकील हुसैन और ड्वेन ब्रावो को आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। चलिए अब क्रिएट करते हैं अपनी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग, भी अच्छे ऑप्शन आ जाते हैं, निकोलस पुरन है, फ्लेचर है, वॉल्टन है, मैंने यहाँ पर निकोलस पुरन को लिया, फ्लेचर को लिया जा सकता है अगर आप लेना चाहते हैं, और वॉल्टन भी अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। बैटिंग सेक्शन से लुइस को लिया है मैंने, यहाँ पर डुआर्ट ब्रेविस को लिया है, यहाँ पर देखो राइली रूसो का ऑप्शन है और गुप्टिल का ऑप्शन है, टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, इनके ऊपर रिस्क लिया जा सकता है लेकिन अगर बैटिंग फर्स्ट आती है तो मैं पोलार्ड को अपनी टीम में रखूंगा, सो अभी के लिए हमने पोलार्ड को रखा है। राइडू को आप चाहे तो ग्रैंड लीग में और यहाँ पर रदरफोर्ड को भी ग्रैंड लीग में आप रोटेट कर सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें तो यहाँ पर रसल को हमने लिया है, नारायण को लिया है, ब्रावो और बॉश को लिया है, दो खिलाड़ी
जॉर्ज लिंडे अच्छा कर सकता है, सिलेक्शन बेहद कम है, इनको ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर ड्रेक्स भी एक ऑप्शन है, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए ट्राई कर सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो अकील हुसैन कॉकटेल को मैंने अपनी टीम में रखा है। फाइनल प्लेयर में आप चाहें तो ड्रीम इलेवन पर तो आप एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर ले सकते हैं, ऑलराउंडर ले सकते हैं। अगर आप विजन इलेवन पे खेल रहे हैं तो एक बॉलर लेना होगा, तो कैरिया और जॉर्डन सील्स का ऑप्शन है। मैंने यहाँ पर जॉर्डन सील्स को अभी के लिए रखा है, तो ये बन जाती है हमारी स्मॉल लीग की टीम। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसी के थ्रू जुड़ना है। बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन जो है मैंने रसल को किया है, वाइस कैप्टन जो है मैंने यहाँ पर जो है बॉश को किया है, तो ये बन जाएगी स्मॉल लीग की टीम। डेफिनेटली एक दो चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि टॉस के बाद जो है क्रूशियल रहेगा इस मैच में, सो फाइनल टीम टेलीग्राम पर मिल जाने वाली है। बात करते हैं ग्रैंड लीग टीम्स की, तो दो टीम्स क्रिएट करी है। टीम वन में हमने लुइस को कैप्टन किया, वाइस कैप्टन हमने इस टीम में ब्रुविस को रखा हुआ है। टीम टू की अगर हम बात करें, टीम टू में सुनील नारायण को कैप्टन किया है, वाइस कैप्टन हमने निकोलस पूरन को किया है। तो इस मैच में मल्टीपल टीम्स आप लगा सकते हैं और किसी एक प्लेयर को भी मल्टीपल टीम्स में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई है सो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से बेस्ट चॉइस कैप्टन वाइस कैप्टन की कौन होने वाली है, और साथ के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट गाइस।